तो इस कहानी के शुरू में हम सैम से मिलते हैं। सैम एक कैंसर पेशेंट है और काफी टाइम से एक नर्सिंग होम में रह रही है। वो जानती है कि वो कुछ ही अरसे में मर जाएगी, इसीलिए उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। उसका अब कहीं जाने को दिल नहीं करता। रॉबिन इस नर्सिंग होम का हेड बहुत ही मुश्किल से सैम को अपने साथ चलने के लिए मनाता है। वो अपने नर्सिंग होम के सभी पेशेंट्स को थिएटर दिखाने लेके जा रहा था। सैम उसके साथ जाने के लिए सिर्फ इस शर्त पे मानी थी कि रॉबिन उसे उसके बताए रेस्टोरेंट से आखिरी मरतबा एक पिज्जा खिलाएगा। ये लोग बस में बैठ कर न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकल जाते हैं और दिखाया जाता है कि आज तो न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर से बहुत सारे फाइटर जेट्स गुजर रहे थे और इस शहर के लिए ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी सभी लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। अब थिएटर शो भी शुरू हो जाता है और थिएटर में सैम की दोस्ती हो जाती है हेनरी और उसकी फैमिली से। ये लोग यहाँ काफी बातें करते हैं लेकिन फिर भी ये थिएटर शो बहुत ही ज्यादा बोर था। सैम को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो यहाँ से उठ के एक शॉप में चली जाती है, अपने लिए कुछ चीजें कुछ चॉकलेट्स खरीदती है और इतने में ही उसके पीछे रॉबिन आ जाता है। वो घबराया हुआ था। आकर वो सैम से कहता है, सैम हमें जल्दी यहाँ से चलना होगा, पता नहीं यहाँ क्या हुआ है लेकिन बार बार मुझे हर जगह से मैसेजेस आ रही है कि हमें इस शहर से फौरन निकलना चाहिए, ऐसे में मैं तुम्हें पिज्जा भी नहीं खिला सकता। उसकी ये बात सुन के सैम उदास हो जाती है और नचार जाकर बस में बैठ जाती है। बस अभी थोड़ा ही दूर गई थी कि सैम ने नोटिस किया कि बस में बैठे हुए लोग अजीब तरीके से बस के बाहर देख रहे थे। वो भी जब बाहर देखती है तो बाहर का नजारा इंतहाई खतरनाक था। आसमान से हजारों की तादाद में मेट्रॉइड्स जमीन की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा ही एक मेट्रॉइड सैम की बस के पास गया कर देता है, जिसके फटने से सैम की पूरी बस में काला धुआं फैल जाता है और सब कुछ नजर आना बंद हो जाता है। किसी तरह सैम बस से बाहर निकल जाती है और नोटिस कहती है कि जो लोग यहाँ चिल्ला रहे थे उन्हें कोई चीज यहाँ से उठाकर ले जा रही थी। बस के पीछे छुपकर वो देखती है कि किसी तरह के एलियंस थे। थोड़ी सी देर में सैम ने ये भी नोटिस कर लिया था कि ये एलियंस उन्हें उठाकर ले जा रहे थे जो ज्यादा शोर कर रहे थे। अब कुछ एलियन सैम के पास खड़े लोगों की तरफ भी अटैक करते हैं, जिनको मरता देख कर सैम डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है। एकदम से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसके चलते सैम वहीं बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आया तो उसने देखा कि उसे रेस्क्यू कर लिया गया था। ये हेनरी की फैमिली थी जो उसे थिएटर में मिली। हेनरी ने इस टाइम सैम के मुंह पे हाथ रखा हुआ था और ऐसे वो सैम को खामोश रहने का कह रहा था। इस टाइम इस थिएटर के अंदर बहुत सारे लोग थे जो सब के सब ये बात जान गए थे कि अगर वो शोर करेंगे तो एलियंस उनकी तरफ बढ़ेंगे, इसलिए सब बहुत ही खामोशी से बैठे थे। यहीं पर सैम को रॉबिन भी मिल जाता है, जिसे गले लगाकर वो बहुत रोती है। रॉबिन को इस सारे क्योस में उसकी कैट भी मिल गई थी। ये लोग यही बैठे हुए थे कि एकदम से इन्हें हेलीकॉप्टर से एक अनाउंसमेंट सुनाई जाती है, जिससे इन्हें मालूम होता है कि इन एलियंस ने सिर्फ इसी शहर के ऊपर हमला किया था। ये एलियंस देख नहीं सकते थे, इसीलिए शोर का पीछा करके इंसानों पर हमला करते थे। अगर इंसान खामोश रहे तो इनसे बचा जा सकता है। साथ ही गवर्नमेंट इनको रेस्क्यू करने की भी तैयारी कर रही थी। पता चलता है कि इन हेलीकॉप्टर्स की आवाज से बहुत सारे एलियंस इस थिएटर की तरफ बढ़ने लगे थे। ऐसे में सैम की गैट भी भाग कर सैम से दूर से दिखाते हैं। सैम को डर था कि कहीं ये कैट आवाज न कर दे और ऐसे कहीं ने एलियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट न कर ले। फिर जिस चीज से वो डर रही थी वही हुआ, उसकी कैट ने आवाज कर दी जिसकी वजह से एलियंस दरवाजा तोड़कर इस थिएटर में आ गए। इससे पहले कि वो यहाँ मौजूद सभी लोगों के ऊपर हमला कर देते, पीछे से हेलीकॉप्टर की आवाज आने पर ये एलियंस उनकी तरफ मुड़ जाते हैं। उस वक्त में सैम ने देखा था कि इन एलियंस की आंखें हैं ही नहीं। खैर, इस मुश्किल के टलने के बाद सैम अब वॉशरूम में जाती है, खुद को साफ करती है और फिर देखती है कि उसे आगे क्या करना है। यहाँ सभी लोग रेडियो से अपने लिए नए नए प्लान्स देख रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट ने सबको आज रात के लिए ब्रिजेस से दूर रहने का कहा था, क्योंकि आज रात वो सभी ब्रिजेस को तबाह करने वाले थे, क्योंकि एलियन सिर्फ इसी शहर में उतरे थे। दूसरे शहरों में जाने का रास्ता ब्रिजेस से होकर जाता था, इसीलिए ये सारे ब्रिजेस तोड़ रहे थे ताकि एलियंस दूसरे शहरों में ना जा पाए। सैम और उसके साथ यहाँ के कुछ लोग खामोशी से बाहर निकलकर अपने शहर का नजारा देखते हैं। बॉम्ब्स की मदद से कई ब्रिजेस को जला दिया गया था। शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था, जिसे देख कर लोग सदमे में आ चुके थे, क्योंकि चंद ही घंटों में उनके शहर की हालत रहने के लायक नहीं रही थी। एक आदमी तो पैनिक होकर यहाँ चिल्लाने पर ले जाता है कि नहीं, बस अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। और उसे पैनिक चिल्लाते हुए देखकर हेनरी उसके मुंह पे हाथ रख के उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसे चुप करवाने के चक्कर में वो आदमी गलती से हेनरी के हाथों मारा गया। इस चीज से हेनरी की हालत ऐसे थी कि मानो उसे सांप सूंघ गया हो।
उसकी तो मारने वाली कोई इंटेंशंस भी नहीं थी और ये बात सभी लोग जानते थे। बाकी लोग हेनरी को पकड़ के थिएटर के अंदर ले जाते हैं और अब सब यही सोच रहे थे कि गवर्नमेंट उन्हें रेस्क्यू कर भी पाएगी या नहीं। अब ये लोग यही सोच रहे थे कि एकदम से थिएटर की सोलर बैटरीज आवाज करने लग जाती है। इसकी आवाज बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे एलियन इससे अट्रैक्ट हो सकते थे, इसलिए रॉबिन अपनी जान पे खेलते हुए उसे बंद करने के लिए जाता है। उसने मैकपिक ये बंद तो कर दिया, लेकिन एलियंस भी कुछ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे। इससे पहले कि वो बच के रथ से भाग पाता, एक एलियन बुरी तरह उसके ऊपर हमला करते हुए सबके सामने ही उसे मार डालता है। रॉबिन के मरने से सबसे ज्यादा सदमा सैम को हुआ था, क्योंकि उसकी फैमिली भी नहीं थी और काफी सालों से वो रॉबिन के साथ ही रह रही थी। रॉबिन एक इकलौता दोस्त था उसका। सैम ने तब अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था कि एक एक करके उसके सभी दोस्त उसे छोड़ जाएंगे और आखिर में वो भी मर जाएगी। सुबह होते ही वो खामोशी से शहर में निकल जाती है, एक जनरल स्टोर पे जाकर कुछ काम की चीजें, खाने पीने का सामान और अपनी मेडिसिन दे दी है और आगे एक पार्क में चली जाती है। वहाँ पे एक फाउंटेन चल रहा था, उसने सोचा कि वो वहाँ पर बैठ के खाना खाने की, ऐसे पानी की आवाज में उसके खाने पीने का शोर दब जाएगा। यहाँ आकर उसे दो बच्चे दिखते हैं जो कल से ही एलियन से बचने के लिए फाउंटेन के अंदर छुपे हुए थे और उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। सैम उन्हें अपना खाना दे देती है। वो अभी यही बैठी थी कि दोबारा से हेलीकॉप्टर्स इनके शहर में आते हैं और यहाँ एक और अनाउंसमेंट की जाती है जिसमें बताया जा रहा था कि साइंटिस्ट ने इन एलियंस की बहुत सारी कमजोरियां ऑब्जर्व की है, जिसमें से एक एलियंस की आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकते, और दूसरा ये कि एलियंस पानी से डरते हैं, उन्हें स्विम करना नहीं आता। ब्रिजेस तो पहले ही सारे गवर्नमेंट ने तोड़ दिए हैं। इस शहर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है पानी, जिसके जरिए इंसानों को यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन एलियन फिर इसी शहर में फंसे रहेंगे। थोड़ी देर में गवर्नमेंट यहाँ के पानी में बहुत सी बोट्स भेजने वाली थी, जिस पर बिठा कर यहाँ के सभी शहरियों को रेस्क्यू कर दिया जाता और उसके बाद एलियन से छुटकारा पाने के लिए उस पूरे शहर को तबाह कर दिया जाता। इस अनाउंसमेंट होने के फौरन बाद ही गवर्नमेंट यहाँ शहर में कुछ आवाजें करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एलियंस डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी तरफ चले जाए और मौके का फायदा उठाते हुए सारे शहरी बोट्स तक पहुँच जाए। सैम भी अब उन दोनों बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए उन्हें लेकर बोट्स की तरफ बढ़ती है और जब ये लोग सड़क पे आते हैं तो देखते हैं कि हजारों की तादाद में लोग उस नहर की तरफ बढ़ रहे थे। सैम दोनों बच्चों को इन सभी लोगों के साथ जाने को कह देती है और खुद उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन वो मर जाएगी, फिर आज ही क्यों नहीं। वैसे भी इस शहर से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी थी, उसकी फैमिली की यादें, इसलिए वो इसी शहर में मरना चाहती थी और मरने से पहले अपने और अपने डैड के फेवरेट रेस्टोरेंट से पिज्जा खाना चाहती थी। इतने सारे इंसान एक ही वक्त में चल रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता था कि बिल्कुल कोई आवाज ना होती। इनकी थोड़ी बहुत आवाजों से भी कुछ एलियंस इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसे इंसानों में क्याओस पड़ जाता है, इंसान चीखे मारते हैं और जहाँ जहाँ से एलियंस को आवाजें सुनाई देती हैं, एलियंस उन्हें मारने लग जाते हैं। इसी भंतड़ी में बेचारी सैम भी गिर जाती है। सैम के ऊपर से बहुत से लोग चलने लगे थे अपने आप को बचाने के लिए। पहले तो वो एक कार के नीचे छुपती है और फिर क्याओस कम होने पर दूसरी तरफ निकल जाती है। इस सब में उसकी कैट भी उससे बिछड़ गई थी। यहाँ पर अब बहुत तेज बारिश भी होने लगी थी और ये इनके लिए एक अच्छा साइन था, क्योंकि एलियंस पानी से डरते थे। देखने को मिलता है कि एक और सर्वाइवर भी एलियंस से बचने के लिए छुपा हुआ था और बारिश के चलते वो भी बाहर निकल आया था और उसकी नजर पड़ी थी अब सैम पे। सैम उसे यहाँ देखकर हैरान होती है और उसे बताती है कि नदी के रास्ते बहुत से लोग चढ़े से बाहर निकल रहे हैं, तुम्हें भी वही चले जाना चाहिए। वो ये कभी सैम को साथ चलने को कहता है, लेकिन सैम बताती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो लड़का भी उसके साथ चलने लगता है। इन्हें यहाँ पर सैम की गाइड भी मिल चुकी थी, रात बहुत हो चुकी थी, इन्हें कहीं रुकना चाहिए था, इसलिए सैम इस लड़की को लेकर अपने घर आ जाती है। लेकिन कल से इतना भागी दौड़ी थी, उससे अपने घर की चाबी कहीं गिर गई थी। इससे पहले कि ये लोग यहाँ फंसे रह जाते, एकदम से यहाँ बिछमी के रखती है और उसी के शोर का फायदा उठाते हुए ये लड़का सैम के घर का दरवाजा तोड़ देता है और फाइनली ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं। सुकून के माहौल में आकर इनको भी अच्छा फील हो रहा था। ये लोग यहाँ थोड़ी बातें करते हैं और ये लड़का अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम एरिक है, मैं एक लॉयर हूँ और इस शहर में प्रैक्टिस करने के लिए आया था। मेरी यहाँ फैमिली रही है और जल्द ही मैं अपने फैमिली के पास जाना चाहता हूँ। जबकि सैम इसे अपने बारे में बताती है कि पहले वो एक पोइटिस थी और साथ ही साथ एक राइटर थी, लेकिन कैंसर के बाद से उसने सब कुछ छोड़ दिया। हालांकि उसे किताबें पढ़ना और लिखना बहुत ज्यादा पसंद था। उसका कैंसर अब इतना बढ़ चुका है कि उसके पास सिर्फ चंद ही दिन है और अपने आखिरी दिनों में उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है
कि वो अपने डैड के फेवरेट रेस्टोरेंट में पिज्जा खाए। यही वजह थी कि वो शहर से निकलना भी नहीं चाहती थी। महीना तो उसे दो दिन बाद भी था, तो वो क्यों ना अपने ही शहर में रहकर मर जाती। सुबह होते ही अब सैम अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल आई। उसने एरिक को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एरिक को अपने साथ रखना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि एरिक यहाँ से बाहर निकल जाए। चुपचाप वो एक खाली पड़ी लाइब्रेरी में पहुँच जाती है, वहाँ पड़ी कुछ किताबें पढ़ने के लिए। एकदम से वो नोटिस करती है कि उसकी कैट पीछे कुछ देख रही है, यहाँ कोई आ जा रहा है। डरते हुए जब सैम ने पीछे मुड़कर देखा तो ये एरिक ही था। उसे यहाँ देखकर सैम छुट गई। सैम ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ से चले जाना चाहिए था, तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था। अभी ये लोग वैसे कर रहे थे कि गलती से सैम के हाथ से एक डेस्क गिर जाता है जिससे बहुत ज्यादा शोर पता। यानी यहाँ बहुत से एलियंस उनकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले थे। इससे पहले के एलियंस यहाँ पहुँचते, ये दोनों यहाँ से निकलते भाग जाते हैं और एक दूसरी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग का दरवाजा भी ब्रीफ केस में फंसा हुआ था। एरिक बहुत मुश्किलों से कम शोर करते हुए इस दरवाजे को खोलने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन एलियंस इतनी भी आवाज से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एलियंस के भागने की आवाज इस डेडली साइलेंट एरिया में इतनी ज्यादा थी कि उस आवाज से हजारों एलियंस इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। शीशे तोड़कर एलियंस इनको पकड़ कर खाने वाले थे, लेकिन किसी तरह ये दोनों बिल्डिंग से निकलने में कामयाब हो गए। एरिस ने अब चला के दिखाई और बहुत से पत्थरों से कार्स के शीशे तोड़ना शुरू कर दिए ताकि एलियंस डिस्ट्रैक्ट हो पाए और ये दूसरी तरफ से निकल कर बच पाए। किसी तरह ये लोग बच कर सबवे स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर भी इनका सामना एक एलियन से होता है। वो बस इनकी आवाज करने के लिए इंतजार में था। जाते भी ये तो कहा जाते एलिवेटर पे एलियन था और पीछे ट्रेन टर्मिनल के अंदर पानी भरा हुआ था। यानी आगे कुआं था तो पीछे खाई, जाते कहाँ पे? सैम फैसला करती है कि ये लोग पानी में उतर जाएंगे। यहाँ पर बच्चे की कोई इमेज तो है नहीं। अब जैसे जैसे ये लोग आगे पानी में बढ़ रहे थे, वैसे वैसे पानी का नैदन भी बढ़ता जा रहा था। ऊपर से वो एलियन भी इनके पीछे ही था। एरिक अब पूरी तरह घबरा चुका था। पानी का लेवल बिल्कुल उनके मुंह तक आ गया था। अगर ये आगे जाते तो डूबने के चांसेस ज्यादा थे। तब सैम एरिक को समझाती है, देखो मरना तो वैसे भी है, क्यों ना आगे बढ़ा जाए। एक उम्मीद ये भी तो है कि आगे बढ़कर हम बच जाएंगे। इनकी बातों की आवाज सुनकर वो एलियन छत की तरफ से इनके करीब आ जाता है और अब इस एलियन से बचने के लिए ये दोनों फान में डूब जाते हैं। एलियन भी पानी के शोर से पानी के अंदर डूब जाता है और जैसा हम पहले जानते हैं कि एलियन को तैरना नहीं आता था, वो तो पानी में डूबकर मर गया। लेकिन सैम और एरिस दोनों पानी में तैरते हुए दूसरे किनारे तक आ ही गए। सैम जो कि कैंसर से पहले ही जूझ रही थी, इतनी ज्यादा भागम दौड़ी से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पानी भी उसके जिस्म में भर चुका था, इसीलिए एरिक उसे लेकर एक पास वाली चर्च में आ जाता है। इस टाइम उसे दवाइयाँ देना बहुत ज्यादा जरूरी था। वो सैम से और उसकी मेडिसिन पूछता है और पास के मेडिकल स्टोर में लेने के लिए जाता है। हालांकि सैम ने उसे बहुत मरतबा मना किया था कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एरिक अब बाहर निकल आया था। बाहर आकर उसने देखा कि ये शहर एक खंडर बन चुका है। वो अब एक फार्मेसी में जाता है और उसे सैम की दवाइयाँ मिल जाती हैं। एकदम से उसे यहाँ फील हुआ कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, इस सैम की कैट थी जो उसका पीछा करते करते आ गई थी। उसे देख कर एरिक ने फोन का सांस लिया और अब वो दोनों मिलकर चर्च में वापस आ गए। जल्दी से वो यहाँ सैम के इंजेक्शन उसे लगाता है जो कि अब दर्द में तड़प रही थी। काफी देर गुजर जाने के बाद सैम की तबीयत में कुछ सुधार आता है और होश में आकर वो एरिक को अब अपनी एक फुल कहानी सुनाती है। वो बताती है कि जब से उसे कैंसर हुआ था, उसने अपनी लाइफ की सारी चीजें छोड़ दी थी। उसकी लाइफ का कोई मकसद नहीं रहा था, उसने कहीं आना जाना भी छोड़ दिया था। वो अपने नर्सिंग होम से अपने शहर वापस सिर्फ इस उम्मीद में आई थी कि वो यहाँ का अपने डैड के फेवरेट रेस्टोरेंट का पिज्जा खाएगी। उसके बाद सुनकर एरिक उसे उठाता है और ये लोग यहाँ चर्च से बाहर निकल आते हैं। चलते चलते इन्हें वो रेस्टोरेंट भी मिल चुका था, पर उनकी दूसरी किस्मत कि ये रेस्टोरेंट पूरी तरह जल चुका था। यानी सैम की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने वाली थी, लेकिन एरिक वो ऐसे सैम की आखिरी ख्वाहिश को मरने नहीं देना चाहता था। वो सैम को एक दूसरी बिल्डिंग में बिठा कर उसे अपना इंतजार करने को कहता है। वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वहाँ कुछ ढूंढने के बाद उसे एक पिज्जा मिल जाता है जिसे वो उठा कर सैम के पास ले आया। ये लोग यहाँ पिज्जा एंजॉय करते हैं। सैम को बहुत दिनों बाद आज खुशी हो रही थी। इसी खुशी के दौरान उसे एहसास होता है कि वो एरिक और अपने कैट को अपने साथ मरने नहीं दे सकते। वो विंडो से बाहर देखती है जहाँ एक आखिरी बोट सारे सर्वाइवर्स को लेकर जा रही थी। इसके यहाँ से निकलने के बाद इस पूरे शहर को तबाह कर दिया जाता, और सैम ऐसा नहीं चाहती थी। वो अब ठान लेते हैं
कि वो इन दोनों को यहाँ से निकाल कर रहेगी। लेकिन दिखाया जाता है कि समंदर के किनारे बहुत से इंडियंस भी थे जो पानी में होने वाले शोर की वजह से वहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि आगे पानी रहा इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सैम अब एरिक और अपनी कैट को लेकर उस किनारे पे बढ़ने लगती है, लेकिन किनारे पे जाना इतना आसान नहीं था। वो इन एलियंस से कैसे बचते, तब यहाँ सैम एरिक से कहते हैं, देखो मैं तो पहले ही मरने वाली हूँ, तुम लोग एरिया से बचकर निकलो, मैं एलियंस को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। वो यहाँ एक आयरन रॉड उठाती है और उससे गाड़ी के शीशे तोड़ने लग जाती है, जिससे बहुत सारे एलियंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और एरिक सैम की कैट को बचा कर किनारे की तरफ बढ़ने लग जाता है। एलियंस के दरमियान में हलचल और उन्हें दूसरी तरफ बढ़ता हुआ देखते हुए बोट में बैठे हुए नोव ये समझ आते हैं कि शहर में अभी भी कुछ सर्वाइवर्स हैं, इसलिए उन्होंने भी बोट रोक ली। बोट को रुकता देखकर एरिक टूटे हुए ब्रिज से जल्दी से बोट की तरफ भागने लगता है और उसके भागते की आवाज से बहुत से एलियंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इससे पहले कि वो एलियंस उसे पकड़ कर ना देते, ठीक वक्त पे वो पानी में जंप करते हुए अपनी जान बचा लेता है और फिर स्विम करते हुए फाइनली अपनी बोट तक पहुंच जाता है। दूर खड़ी हुई सैम ये नजारा खुशी से देख रही थी या फिर उसने एरिक पर अपने कैट को बचा नहीं लिया। जब ये लोग आगे सफर तय कर रहे थे तब एरिक को सैम की दी हुई जैकेट के अंदर से एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि मैं तो पहले ही मर रही थी, मेरी लाइफ का मकसद नहीं था, लेकिन फिर तुम मेरी लाइफ में आए और मेरी लाइफ का एक मकसद बना। उसे मकसद बना कि वो एरिक और अपनी कैट की जान बचा ले और उसने मरने से पहले अपने इस आखिरी मकसद को पूरा किया। ये पढ़कर एरिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जबकि सीन कट होकर हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि जिंदगी के इन आखिरी पलों में गाना एंजॉय कर रही थी, जिसके बाद वो अपने रेडियो से हेडफोन निकाल देती है और रेडियो की आवाज़ फुल कर देती है, जिससे बहुत से एलियंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो उसे बस अब खा जाएंगे और यहाँ उसकी नाइट खत्म हो जाएगी और इसी को दिखाते हुए कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।